आप इस तरीके से कट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए लिखा हुआ है पैरेललोग्राम जिसका नाम क्या है, ओके बनाना है जहां पर ओके है, ओ एक कैटेगरी है 4.2 सेंटीमीटर और सॉरी 5.5 सेंटीमीटर और ए वाई कैटेगरी 4.2 सेंटीमीटर। तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी रफ फिगर बना लेते हैं। पहले होगा आपकी पैरेललोग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम होता है। ये ओ के ए वाई ओके कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ये वाई हो जाएगा आपका 4.2 सेंटीमीटर। अब जानते हैं ये क्या होगा 5.5 होगा, ये क्या अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए ओ की हम आएंगे ओ लेंगे और ये क्या लेंगे के लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेने के बाद आप करना क्या है, यहाँ से आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितने डिग्री का एंगल बनाइए 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक आर्क कट करना पड़ेगा, एक आर्क कट करने के लिए सॉरी 120 डिग्री का एंगल बनाना, कितने का 120 डिग्री का। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितना होता है हमारा एक आर्क है, आर्क कट करने के बाद ऐसे देंगे एक बार यहाँ कट करेंगे तो ये बार यहाँ कट करेंगे, इस लाइन को अपने मिला रखिए, ये हमारी क्या दिखाएगी 120 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं अगर ये 120 डिग्री है तो हमारी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके लिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये पर्टिकुलर है 120 में 60 आएगा तो 180 आएगा। अब यहाँ से क्या बनाना है 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कोई काम करेंगे और जहाँ हमने कहा कई बार आप ऐसे कर सकेंगे, अब इसे क्या करेंगे ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। मैच करने के बाद ये को हुआ ये के हुआ, अब देख रहे हैं के से ये तक की दूरी कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। अब हम बात पर आपको 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ दे रहे हैं, लेने के बाद यहाँ से ऐसे कट कर दिए। हम जानते हैं अपोजिट साइड क्या होती है ऊपर होती है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर भी ऊपर रखना है और इस तरीके से एक बार कट कर देनी है। तो ये देख रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर ये भी होगा और ये भी आपका 4.2 सेंटीमीटर होगा, ये आपको पॉइंट डिग्री ए और ये आपको पॉइंट डिग्री वाई। अब करना क्या है ए को वाई से मिला देना, ये आपका रिक्वायर्ड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर, तो आज का हम खत्म करते हैं।